चलो ठीक है, अब तो आ गया, अब तो आपको भी आ गया, अब तो आ ही जाएगा। तो कहता हूँ मरकरी बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करेगा, प्रेशर को मेजर करेगा। कौन सा प्रेशर? टॉर्सली पहला साइंटिस्ट था, टॉर्सली पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली बार एक्यूरेटली, बहुत सही तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ये प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, सपोज उसने क्या किया, एक मरकरी का बना हुआ एक टब, मरकरी भरी हुई है टब में, कंटेनर ले लिया। मरकरी वैसे ऐसी दिखती नहीं है, मरकरी ऐसे दिखती है, मरकरी चिपकती नहीं है ना, क्योंकि मरकरी दूर रहती है सॉलिड से। आप हाथ में पकड़ोगे आपका हाथ गीला भी नहीं होता मरकरी में। अगर आप मरकरी के को हाथ में पकड़ भी लोगे तो आपका हाथ कभी गीला नहीं होगा। मरकरी के टब में हाथ डालो, हाथ सूखा बाहर आएगा, चिपकती नहीं है ये। इसमें जो मरकरी, मरकरी के बॉन्ड्स के जो एटम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हमारे हाथ के एटम उसको खींच नहीं पाते। तो ये मरकरी का टब लिया उसने, उसने एक ट्यूब ली, एक ट्यूब ली ऊपर से एक एंड ओपन, पूरी मरकरी से भर दी वो ट्यूब भी। उसको एक एंड उसका बंद था, एक ओपन था। जो ओपन था उसको बंद किया अपने हाथ से और उसको उल्टा कर दिया। उल्टा करके उस ट्यूब को इसमें डाल दिया, उस ट्यूब को इसमें डाल दिया, इन्वर्ट करके, उल्टा करके ये लो डाल दिया। तो इसमें क्या थी? मरकरी ही मरकरी थी। जैसे ही उसने यहां से अपना हाथ छोड़ा तो मरकरी नीचे गिरने स्टार्ट हो गई। मरकरी क्यों नीचे गिर रही है? क्योंकि उसका वेट नीचे गिर रहा है उसे, भाई भार है, हवा में कैसे रहेगा। तो इसके अंदर मरकरी मरकरी है, मरकरी नीचे गिरना स्टार्ट हो गई इस मरकरी के टब में। लेकिन कुछ देर के बाद वो रुक गई, यहां पे आके रुक गई। अब वो क्यों? मरकरी वैसे प्लेन दिखती नहीं है, मरकरी हमेशा ऐसे दिखती है ऐसे। वो क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लग रहा था? एटमोस्फेरिक प्रेशर। और यहां पे क्या लग रहा था? मरकरी का प्रेशर। मरकरी का प्रेशर चाहता है, जो हवा ट्यूब में मरकरी है वो चाहता है कि मरकरी बाहर निकले, एटमोस्फेयर चाहता है कि मरकरी, एक इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो दोनों के प्रेशर सेम हो गए। अदरवाइज तो मरकरी तो चाहती है कि और राइज हो जाए मरकरी, बट यहां से एटमोस्फेरिक प्रेशर उसे रोक लेता है और फाइनली क्या होगा उसमें, ये यहीं पे रेस्ट पे आ जाता है। तो अब इस केस में, अब इस पॉइंट का जो प्रेशर है और यहां का जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मरकरी का प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को इक्वेट कर दिया, मरकरी गिरना बंद हो गई। तो यहां पर जब मरकरी गिरी, यहां पर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्योंकि हवा तो थी नहीं ना, मरकरी चली गई तो खाली कुछ भी नहीं, खाली स्पेस है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब कोई भी अगर पॉइंट ए यहां लिया जाए, उस ए का प्रेशर पता है क्या होगा? जीरो, क्योंकि हवा ही नहीं, प्रेशर कौन लगाएगा? कुछ है ही नहीं वहां पे, नो प्रेशर। ठीक, तो अब यहां पे जो प्रेशर है और जो यहां का प्रेशर है बराबर है। तो यहां का क्या प्रेशर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो दबा रहा है, और यहां मरकरी का क्या प्रेशर है? मान लो उसने हाइट नोट कर ली मरकरी की, कितनी h, और ये 1 मीटर लंबी ट्यूब थी उसकी, बता दूं मैं वैसे हाइट उसने मेजर की। कहां कि मरकरी रुक गई, तो उसने देखा कि यहां का जो प्रेशर है वो ए का प्रेशर प्लस एच रो जी के इक्वल है। पर क्योंकि ए का प्रेशर भी क्या है? जीरो, तो दोनों प्रेशर बैलेंस कर गए। एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एच रो जी। ठीक, तो उसने मरकरी की जब हाइट नोट की वो आई 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। वर्ड सुना है ना, वो ये होता है 76 सेंटीमीटर पे आके मरकरी रुक जाती है, टेस्टेड है। डेंसिटी मरकरी की उसको पता थी 13.6, सॉल्व किया, एटमोस्फेरिक प्रेशर आया 1.013 × 10^5 पास्कल। ऐसे उसने एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली। अच्छा ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर यही स्टेप्स लिखे हुए हैं। टॉर्सली वाज फर्स्ट टू डिवाइस अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली जिसमें मरकरी डाल दी, अपने हाथ के थंब से मरकरी को, उसके ट्यूब को बंद किया, इन्वर्ट किया और थंब को रिमूव किया, मरकरी लेवल नीचे गिर गई। नीचे गिर के क्या हुआ? नीचे गिर के जो पॉइंट का प्रेशर था वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया एच रो जी। वैल्यूज को पुट किया तो आंसर आया। ये बैरोमीटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, यहां तक ये आएगा तो नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, बट हाँ आपको एक नॉलेज जरूर पता लगेगी कि कैसे काम किया जाता है।
एक और मीटर बना जिसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर देखो, मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर गैस का प्रेशर मेजर करके बताता है। तो जो मैनोमीटर है, मान लो इसमें कंटेनर में गैस है, आप चेक करना चाहते हो गैस का कितना प्रेशर है, तो यहां मरकरी डाल दी फिर से ट्यूब में, ओपन टू एटमोस्फेयर। जितना हाई प्रेशर होगा यहां पर जोर ज्यादा लगेगा और मरकरी हाइट अटेन करती जाएगी। ठीक है यहां तक? तो कैसे मेजर करेंगे इसका प्रेशर? एक लाइन का काम है इसमें। देखो इस तरीके से मेजर करेंगे कि सबसे पहले ये गैस है, गैस का कंटेनर है और ये एक ट्यूब है। ठीक, ये डायग्राम है। अब क्योंकि इसमें मरकरी भरी हुई है, ये मरकरी है और गैस के प्रेशर की वजह से मरकरी थोड़ा ऊपर चढ़ी हुई है इस तरीके से, और ये गैस है। अब गैस यहां पे जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे, वो किसकी वजह से होगा? गैस की वजह, क्योंकि गैस प्रेशर लगा रही है। ठीक, गैस की वजह से होगा। आप एक काम करो, एक लाइन खींच लो, ये एक लाइन खींच ली आपने, ये पॉइंट बी ले लो इसके ऊपर कहीं पर भी, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। लाइन से ये फायदा है क्योंकि इसके नीचे जो मरकरी है वो एग्जैक्टली सेम है। अब मरकरी अपना लेवल अटेन कर चुकी है, तो याद रखना इस हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर ए का और बी का एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि अगर बी का प्रेशर ज्यादा होता तो मरकरी ऐसे चढ़ जाती, और अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बी पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा। तो लेकिन अभी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तो इस लेवल पर, एक लेवल पर प्रेशर सेम हो जाएगा। तो अगर मैं गैस का प्रेशर यहां निकालना चाहता हूं, गैस का प्रेशर, तो मैं काम करता हूं, मैं बी का प्रेशर निकाल देता हूं, एक ही बात है क्योंकि ए का और बी का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है। तो ये लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। और प्रेशर एट बी है क्या बताओ? एच रो जी प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट भी लिखा जाता है, और प्लस एच रो जी। तो गैस का प्रेशर आ गया, गैस के प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया, लिख लो यहां पर पी, हर जगह पी लिख लेना। गैस का प्रेशर इज, लेट अस सपोज पी। ठीक, तो गैस का प्रेशर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो गैस का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर का मतलब है कि जो गैस का प्रेशर है, में से एटमोस्फेरिक माइनस करोगे, एच रो जी बचेगा, उसको क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एग्जाम्पल है मैनोमीटर पे, और मैं चाहता हूं आप इसे प्लीज एक बार देखें, एग्जाम्पल मैनोमीटर का। इसके अंदर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये एक गैस है, गैस के नीचे ऑयल है और वो ऑयल यहां तक है। ठीक है, ऑयल और गैस मिलके यहां पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो मरकरी का लेवल यहां तक चला गया। ये लेंथ आपको गिवन है, सारी दिखी रही है। तो मुझे समझ में आता है कि ए पॉइंट जहां पर गैस और ऑयल मिलकर प्रेशर लगा रहे हैं, और बी पॉइंट, आप लाइन खींच सकते हो डॉट 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 डॉट, तो ए और बी का प्रेशर एग्जैक्टली क्या रखा जाएगा मैनोमीटर में? सेम।
तो अगर मैं ए का प्रेशर निकालना चाहता हूँ, दैट इज ऑयल और गैस का, तो बी का निकाल दूँ, बात एक ही है, बी का निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, प्रेशर एंड ए एंड बी सेम है। ए के ऊपर प्रेशर बोलो क्या है, ए के ऊपर बोलो कौन कौन प्रेशर लगा रहा है। पी गैस का प्रेशर, लेट अस सपोज कितना है, पी जी गैस का प्रेशर, प्लस ऑयल का प्रेशर देखो कितना है। ऑयल के प्रेशर में हाइट कितनी है, 1 मीटर प्लस 1.5, तो 1 प्लस 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल क्वेश्चन में गिवन है इंटू जी, तो टोटल प्रेशर किसका आ गया, गैस का प्लस ऑयल का। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो गैस का तो मुझे पता ही नहीं, पी निकालना है मुझे पी, ऑयल का मुझे पता है एच रो जी, एच रो जी। अब बी पॉइंट का प्रेशर देखो, बी पॉइंट के प्रेशर में एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा यहां पर पी नॉट, प्लस टोटल हाइट बोलो कितनी है यहां से यहां तक, टोटल हाइट है 0.75 प्लस 1.5, 0.75 प्लस 1.5 इनटू कौन सा लिक्विड है यहां पर, मरकरी, मरकरी की डेंसिटी इनटू जी। तो एच रो जी ए पॉइंट पर, एच रो जी बी पॉइंट पर सेम। अब प्रेशर ए और बी पे एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं। ये मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया, लो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके P माइनस पी नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये गॉज प्रेशर आ गया, क्योंकि गैस के प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो गॉज प्रेशर P ऑफ G क्या आ गया, P माइनस पी नॉट, जिसकी वैल्यू आ गई। तो गैस का प्रेशर क्या आएगा, पी नॉट को इधर ले जाएं, तो गॉज प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो गैस का प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें?